ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोने का गधा। दोस्तों ये है भारत का पहला हनुमान चालीसा स्तंभ, ये देखिए इस पूरे स्तंभ पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हैं वृंदावन के बालाजी देवस्थान मंदिर। दोस्तों विश्व का ये एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां पर आप श्री हनुमान जी के साथ उनके पांच भाइयों के भी दर्शन एक साथ करेंगे। यह बालाजी देवस्थान वृंदावन के अटाला चुंगी रोड पर स्थित है और यह मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध कांच मंदिर और जयपुर मंदिर के पास में ही है। मथुरा रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। आपको मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही यहाँ के लिए डायरेक्ट मथुरा के लोकल टेम्पो और बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अब मंदिर के अंदर चलते हैं। टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ये गधा देख रहे हैं। दोस्तों ये अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये गधा है, सोने का गधा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दरबार है श्री हनुमान जी का। यहाँ पर आपको हनुमान जी की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्ति पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए दोस्तों, छत के ऊपर भी बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग बना रखी हैं और दीवारों पर भी आप देख सकते हैं सामने दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये मंदिर है। अगर आप कभी भी वृंदावन आएँ तो इस जगह पर भी दोस्तों एक बार ज़रूर आके घूमिएगा। इस मंदिर में आप देख सकते हो दीवारों के ऊपर कितनी खूबसूरती से पेंटिंग बना रखी हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है दोस्तों यहाँ का। इस दरबार में बहुत सुकून और शांति है। आप यहाँ पे कभी भी आएँ तो 5-10 मिनट बैठिएगा ज़रूर दोस्तों, आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। ये देखिए सामने भगवान बजरंगबली का दरबार है। यहाँ पर हनुमान जी अपने पांचों भाई गतिमान, श्रुतिमान, मतिमान, केतुमान और धृतिमान के साथ विराजमान हैं। दोस्तों इस मंदिर परिसर में एक हनुमान चालीसा स्तंभ भी है, ये देखिए दोस्तों सामने। इस पूरे स्तंभ पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है। यह दुनिया का पहला हनुमान चालीसा स्तंभ है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे स्तंभ पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है। दोस्तों अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।